दमदार आवाज वाली रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाना आज हर किसी का ड्रीम है। रॉयल एनफील्ड के लुक्स, मजबूती और आवाज के अलावा इसमें और भी कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं। और साथ ही जब लेकर निकलो तो जो जलवा होता है ना, वो तो बात ही अलग है, जो इसे बाकी की बाइक से अलग करता है। ये एक ऐसी बाइक है जो 150 साल से लोगों के स्टेटस के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड खत्म होने की कंडीशन तक आ गई? हालांकि फिर इस ब्रिटिश कंपनी रॉयल एनफील्ड की पूरी कमान भारत के एक उद्योगपति ने संभाली और फिर ऐसी संभाली कि सब देखते रह गए। आज की इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड की शुरू से लेकर अब तक की पूरी जर्नी के साथ कैसे भारत ने इसकी कमान संभाली, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन जॉर्ज टाउनसेंड की कंपनी ने साइकिल के जिस कंपनी को बनाया था और आज वही कंपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती है। जॉर्ज टाउनसेंड पहले सिलाई मशीन के निडल बनाते थे, फिर बेटे के साथ मिलकर साइकिल का बिजनेस किया। लेकिन उन्हें अपने बिजनेस में शुरू में बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में उन्हें अपना बिजनेस दो फाइनेंसर अलवर्ड केडी और रॉबर्ट स्मिथ को बेचना पड़ा। इन्होंने जॉर्ज टाउनसेंड की कंपनी का नाम चेंज करके एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। कुछ सालों के बाद इस साइकिल बिजनेस को अलग करके इसका नाम न्यू एनफील्ड साइकिल लिमिटेड रख दिया गया और साइकिल रिंग को रॉयल एनफील्ड नाम दिया गया। साइकिल का बिजनेस रन करते हुए कंपनी अब कुछ नया करना चाहती थी और इसीलिए साल 1899 में उन्होंने चार व्हील वाले साइकिल बनाए। फिर साल 1901 में साइकिल में ही इंजन को ऐड करके पहली बार रॉयल एनफील्ड साइकिल को रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के लुक्स में लेकर आए। इसे लोगों ने काफी पसंद किया, इसीलिए इसके बाद कंपनी ने कई और मोटरसाइकिल को अलग अलग डिजाइन के साथ लॉन्च किया। लेकिन रॉयल एनफील्ड की ये बाइक लोगों को ज्यादा समय तक अट्रैक्ट नहीं कर पाई। फिर साल 1909 में कंपनी ने अपनी बाइक में पहली बार वी ट्विन 297cc मोटो सेचॉक इंजन का यूज किया। रॉयल एनफील्ड का ये मॉडल कंपनी के लिए बहुत ही सफल साबित हुआ। अब जिसके बाद रॉयल एनफील्ड कंपनी ने बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूसी सेनाओं के लिए 770cc 6hp वी ट्विन मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की लगातार सक्सेस के बाद कंपनी कंटिन्यू अपने बाइक्स में चेंजेस करती रही और इस तरह से साल 1932 में इसी कंपनी ने रॉयल एनफील्ड का नया मॉडल बुलेट को लॉन्च किया, जिसे तीन मॉडल 250cc, 350cc और 500cc इंजन के साथ में पेश किया गया। बुलेट के लॉन्च होते ही इसका लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ गया, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स की बाकी के बाइक्स के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूती होती थी। रॉयल एनफील्ड बुलेट्स की मजबूती की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर साल 1939 में भी ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल एनफील्ड कंपनी के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को काफी बड़े लेवल पर यूज किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बाइक्स इतनी ज्यादा सफल थी तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? दोस्तों, दरअसल बात ये है कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स को लेकर आम लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी थी कि ये बाइक्स सिर्फ आर्मी और मिलिट्री के लिए यूजफुल है और इसीलिए वॉर के खत्म होते ही इनके सेल्स बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके थे। कुछ सालों तक रॉयल एनफील्ड काफी लॉस में रही और फिर इंडिया में एंट्री के साथ ही इसके दिन एक बार फिर से बदल गए। अब ये बात है आजादी के बाद की, जब साल 1949 में इंडियन गवर्नमेंट को अपने आर्मी और बॉर्डर के जवानों के लिए मजबूत मोटरसाइकिलों की जरूरत थी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने साल 1954 में अपनी मजबूती के लिए फेमस रॉयल एनफील्ड कंपनी को 800 बुलेट के ऑर्डर दिए। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी ने साल 1955 में इंडियन बिजनेसमैन KR सुंदरम अय्यर के मद्रास मोटर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और इस तरह से रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। साल 1956 में इंडिया में चेन्नई के तिरुवोट्टियूर फैक्ट्री में बुलेट का निर्माण शुरू हुआ। स्टार्टिंग में बुलेट्स के पार्ट इंग्लैंड से आते थे, जिसे फैक्ट्री में असेंबल किया जाता था। लेकिन साल 1962 के बाद बुलेट पूरी तरह से इंडिया में तैयार होने लगी। लेकिन इंग्लैंड की तरह इंडिया में भी ये बुलेट सिर्फ बॉर्डर के जवानों के लिए अच्छी मानी जाने लगी। इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, आम जनता इस बाइक को डेली यूज के लिए नहीं अपना पा रही थी। इस तरह लगातार लॉस की वजह से साल 1971 में इंग्लैंड के रॉयल एनफील्ड कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि लॉस के बाद भी इंडिया में प्रोडक्शन जारी रहा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा। रॉयल एनफील्ड की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए द आइशर ग्रुप के फाउंडर
विक्रम लाल ने रॉयल एनफील्ड इंडिया को अक्वायर कर लिया। दोस्तों, आयशर ग्रुप ने रॉयल एनफील्ड को अक्वायर करने के बाद कई नए मॉडल्स लॉन्च किए, लेकिन कोई भी मॉडल आम जनता को रोक कर नहीं रख पाया, जिसकी वजह से आयशर ग्रुप ने लगातार 6 साल के लॉस के बाद आखिरकार रॉयल एनफील्ड को बंद करने का फैसला किया। तब आयशर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल के 26 साल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए कंपनी के बोर्ड मेंबर से 2 साल का वक्त मांगा और इस तरह बचपन से ही बाइक्स का शौक रखने वाले और मैकेनिकल इंजीनियर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड बुलेट्स को एक कस्टमर के नजरिए से देखते हुए उसमें कई चेंजेस किए, जैसे राइट लेग गियर प्लेट को लेफ्ट में लाया गया, किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट की सुविधा और साथ ही और भी कई बदलाव किए गए, लेकिन उनके लुक्स को स्टेबल रखा गया, जिससे रॉयल एनफील्ड के सेल में ग्रोथ होने लगी। लेकिन लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड अब भी काफी हैवी बाइक थी, जिसे लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करना चाहते थे। लोगों की इस मेंटालिटी को बदलने के लिए सिद्धार्थ लाल खुद रॉयल एनफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और बुलेट के लिए कई एड कैंपेन्स चलवाया। सिद्धार्थ लाल के इन्हीं कोशिशों की वजह से लोगों में आज रॉयल एनफील्ड का क्रेज इतना बढ़ गया कि 20 साल पहले जिस बुलेट बाइक को बेचने के लिए कंपनी एक एक ग्राहक के लिए तरस रही थी, आज वही बुलेट को लेने के लिए लोगों को कई दिनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल की वजह से ही रॉयल एनफील्ड आज भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के 50 देशों में अपना परचम लहरा चुकी है। तो रॉयल एनफील्ड के बुलेट्स पर आपका क्या कहना है? क्या रॉयल एनफील्ड बुलेट आपकी भी ड्रीम बाइक है? अगर आपके पास है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।